डेरा बाबा नानक विखे श्री करतारपुर लांघे उपर खोले गए करतारपुर कोरीडोर टर्मीनल दे 4 साल पूरे होण अते 5वें स्थापना दिवस मौके धार्मिक समागम करवाया गया। इस धार्मिक समागम विच लैंड पोर्ट अथॉरिटी दे अधिकारियां, BSF दे पुरश अते महिला जवाना, स्कूली विद्यार्थियां अते नेड़ले पिंडां तों आईयां होईयां संगतां ने हिस्सा लिया। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए लैंड पोर्ट अथॉरिटी दे जनरल मैनेजर टिक्का राम ने देश वासियां नूं वधाई दिंदे होए दस्सिया कि लखां गुरु नानक नाम लेवा संगतां दीआं अरदास सदका हिंदुस्तान अते पाकिस्तान दी सरकार वल्लों इक इतिहासिक फैसला लैंदिआं 2019 विच पाकिस्तान विच स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब दी लांघे राहीं संगतां नूं दर्शन करन लई करतारपुर कोरीडोर टर्मीनल बनाया गया। अज 4 साल पूरे होण ते 5वां स्थापना दिवस मौके धार्मिक समागम करवाया गया। मैनेजर टिक्का राम ने दस्सिआ कि अज करतारपुर कोरीडोर टर्मीनल विच सुखमनी साहिब दे अखंड पाठ साहिब दे भोग पए हन। उपरंत जोरावर सीनियर सैकेंडरी स्कूल कलानौर अते गुरु नानक पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल जोड़ियां कलां दे विद्यार्थियों ने कीर्तन राही आई हुई संगतों नूं निहाल किया। इस मौके बाबा सिद्ध सोह गुरुद्वारा अते हैड ग्रंथी वल्लों करतारपुर कोरीडोर टर्मीनल लांघे अते कोरीडोर स्टाफ दी चढ़दी कला लई वाहिगुरु अगे अरदास बेनती कीती। इस मौके ते आम संगत 50 रुपए फीस दे के 11 नवंबर तो करतारपुर टर्मीनल दे दर्शन कर सकेगी। इस नूं लै के संगतां विच भी खुशी दी लहर पाई जा रही है। जी आप सबको ढेर सारी मुबारक, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज हम गुरु महाराज की कृपा से अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज 4 साल हमारे पूरे हो गए हैं, 5वां साल शुरू हो रहा है, जो कि 9 नवंबर 2019 को यह लांघा शुरू हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद महामारी आ गई थी, कोविड महामारी आई थी, जिस कारण 2 साल सरकार को बंद करना पड़ा। फिर दोबारा 9 नवंबर 2019 को शुरू हुआ, आज 3 साल हो गए हैं, जो कि बेखूबी से और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 72 घंटे वाला जो टेस्ट है वो मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे लेवल की बात नहीं है। मैंने अपने हेडक्वार्टर को आगे लिख दिया है और जो जो भी हमारे चैनल है हाई लेवल पर उनको सबको हमने सूचित कर दिया गया है कि इसको एग्जम किया जाए, इसको इसमें छूट दी जाए और वो अंडर प्रोसेस है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा। सर लैंड पोर्ट अथॉरिटी के कैसे प्रबंध है यहाँ पे, आप लोग देख ही रहे हमारे कैसे प्रबंध है, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, आप लोग बताइए कैसे प्रबंध है, आपको कैसे लग रहा है। आप देख ही रहे यहाँ पे हमारे तरफ से हमने पूरा बंदोबस्त रख किया हुआ है। यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे एजेंसी लगी हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो सिक्योरिटी में है, उसके बाद हमारी जो अंदर स्टेक होल्डर्स है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, कस्टम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस के लोग हैं, सब अपना रोल बेखूबी से निभा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। सर जैसे इधर के लोगों को तांग होती है पाकिस्तान में जाने के लिए, मत्था टेकने के, उधर के लोगों को भी है, उसके लिए कुछ करें? नहीं, उधर के लोग तो यहाँ हमारे पास नहीं आ सकते ना, हमने पहले बोला कि हमारे लेवल की बात नहीं, हाई लेवल की बात है। हम तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और इसके ब्यूटिफिकेशन कंस्ट्रक्शन अपने जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हाई लेवल की बातें हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो हमारे लोकल लोग हैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो किसी कारण किसी मजबूरी के कारण गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए पार नहीं जा रहे हैं, उनके दिल में एक आस्था है, वो इसी को एक गुरुद्वारा मान के चल रहे हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ पे एक गुरुद्वारे के तौर पे बनी हुई है, गुरु महाराज के दर्शन के लिए बनी हुई है। तो उनकी बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट थी, निवेदन था कि भाई हमें भी यहाँ तक आने दिया जाए, उसके लिए हमने केस टेकअप किया अपने हेडक्वार्टर के द्वारा, हमारे हेडक्वार्टर ने आगे उसको फॉरवर्ड किया, उसके ऊपर से परमिशन आ गई है, जिसके लिए टिकट रखा गया है प्रतिदिन और उसका टाइमिंग रखा गया है 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ताकि जो हमारे पैसेंजर आते हैं वो 11:30 से पहले जा चुके होते हैं और 3:30 के बाद वापस आते हैं, इस बीच में अमूमन कम लोग ही जाते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, इस कारण उनका ये टाइम रखा गया। कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जब आप एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, और ये ऐसी लोकेशन यहाँ पे बनी है जो गुरु महाराज की कृपा है कि यहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और एक दिन की विजिट है, फ्री वीज़ा आप जा सकते हैं, और कोई यहाँ आपको रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, आप एक ETA अपना बुक कराइए और बड़े अपनी तमन्ना लेकर गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाइए। ये पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में ऐसी सुविधा कहीं भी नहीं है जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सोहना माहौल लग रहा, और सब तो खुशी की गल, मेरे ख्याल 4 साल पूरे हो गए ने और 5वां साल गुरु महाराज की चरणा च, बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद सी, और साडे इंस्टीट्यूट है साडा गोल्डन एजुकेशन, उनके वालों सारा परिवार ही असीं नाल मिल के गुरु घर के दर्शन करन आए हैं, और मैं बहुत धन्यवाद करता तुसीं भी आप जी पहुंचे हो और गुरु महाराज सारिआं नूं तंदुरुस्तियां बख्शण। थैंक यू। की अरदास करोगे सर? अरदास यही करांगे कि जिहड़ा आउण वाला समां दिवाली आ रही त्यौहार साडे बद्दी छोड़ दिवस है और साडे पंजाब लई खुशियां खेड़ा बणिआ रहे, असीं सारे कामयाबियां बख्शण सानूं परमात्मा और तरक्कियां च वधीए सारे अगे। असीं जिस तरह तुहाडे मन दे विच तांग आ उधर जांदी, इस तरह ही
किसी समय विछड़ चुके हैं और दोबारा फिर असीं इकट्ठे होईए और असीं उम्मीद करदे कि सरकारां साडियां गल्लां जरूर सुणनगीआं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी असीं लक्की हैं इस स्थान की यात्रा वास्ते, सानू परमात्मा ने बल बख्शिया ते असीं इह जिहड़ा बहुत पवित्र स्थान है साडे वास्ते, सिखां वास्ते, ते सानू इह कृपा कीती मालक ने, असीं दर्शन करन ते आए। और सुभागा दिन इह है वी अज चार साल हो गए इस स्थान ते यात्रा करदिआं नूं, लोकां नूं, ते सानू अज मौका मिलिआ। परमात्मा सब नूं मौका देवे, सारे शांति अमन ते भाईचारा परमात्मा सब इस परमात्मा इस स्थान ते ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਰ ਕਿਨੇ ਕਿ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ? ਬਾਈ ਬਰਥ, ਜਨਮ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਰਾਤਰੀਵਾਦ ਬਹੁਤਾ ਵਧੇ।